वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। और लालू प्रसाद यादव देखिए वोट देने पहुंचे हैं और यहां पर मीडिया का जमावड़ा। लालू प्रसाद यादव अभी गाड़ी में ही इस वक्त मौजूद हैं और पीछे देखिए लालू प्रसाद यादव बाहर निकल रहे हैं, वोट देने के लिए। हालांकि उनकी तबीयत को देखते हुए उनके सुरक्षाकर्मी, उनके जो गार्ड्स हैं वो अंदर जाने की बात कह रहे हैं, जाने दिया जाए। राबड़ी देवी पीछे मौजूद हैं और रोहिणी आचार्य भी उतर चुकी हैं। लालू जी तबीयत ठीक है? वोट करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? सारण सीट से जो उम्मीदवार रही रोहिणी आचार्य भी उनके साथ मौजूद हैं और उनकी माता राबड़ी देवी। हालांकि अभी तक तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अभी नहीं पहुंचे हैं, शायद वो पीछे से आए, लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के साथ यहां पर पहुंचे हैं। वेटनरी ग्राउंड जो मैदान है उस मतदान केंद्र पर लालू प्रसाद यादव अंदर जा रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन वोट देकर जब बाहर निकलेंगे तब वो मीडिया से शायद बात करें। लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य ये तीनों वोट देने अंदर गए हैं। लालू प्रसाद यादव थोड़े से खिन्न दिखे, यहाँ पर जो भीड़ उससे थोड़ा सा खिन्न दिखे। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने बहुत सीमित चुनाव प्रचार किया, सिर्फ अपनी दोनों बेटियों, चाहे वो मीसा भारती हों या फिर रोहिणी आचार्य, इन्हीं दोनों के चुनाव क्षेत्रों तक सीमित रहे, कोई बड़ी रैली भी नहीं की। हालांकि रोड शो उन्होंने पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में आखिरी चरण में, जहाँ आज मतदान हो रहा है, उसके पहले उन्होंने दो दो रोड शो किए और लोगों से जनसंपर्क जरूर चलाया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव बाकी संसदीय क्षेत्रों में नहीं गए, परहेज ही रखा, और ये शायद स्ट्रेटजिकल था। तेजस्वी यादव चाहते नहीं थे कि लालू प्रसाद यादव बहुत अन्य जो चुनाव क्षेत्र हैं वहाँ पर लालू प्रसाद यादव दिखें, क्योंकि पिछले चुनाव में भी देखा गया, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, विरोधियों ने जंगल राज के नाम को लेकर के लालू प्रसाद यादव को सामने रख करके और तेजस्वी यादव पर हमलावर रहे। और लालू प्रसाद यादव यहाँ कतारबद्ध हैं अपने जो दो अन्य वोटर्स हैं, यानी कि पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी आचार्य। हालांकि रोहिणी आचार्य पर यह भी आरोप लगाया विपक्षियों ने सारण में कि वो यहाँ की निवासी ही नहीं है, उन्होंने सिंगापुर की सदस्य नागरिकता ले ली है। लेकिन आज देखिए किस तरीके से रोहिणी आचार्य पर वोट देने पहुंची हैं, वो एक तरीके से जवाब भी है। हालांकि पहले वो यहां पर ना रही हैं, ना उन्होंने हाल के वर्षों में कभी यहां पर वोट किया है, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ ही रोहिणी आचार्य को लेकर के पहुंचे हैं इस मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए। हालांकि अभी तक तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव वोट डालने नहीं पहुंचे हैं, या फिर मीसा भारती भी इनके साथ नज़र नहीं आ रही हैं। फिलहाल पिछले वर्ष पूरा परिवार एक साथ वोट देने के लिए वेटनरी ग्राउंड मतदान केंद्र पर पहुंचा था, लेकिन इस बार सबसे पहले लालू प्रसाद यादव सपत्निक और अपनी सारण से उम्मीदवार बेटी रोहिणी आचार्य के साथ यहाँ पर
वोट देने पहुंचे हैं और वोट देने के बाद लालू प्रसाद यादव की बारी आई है। लालू प्रसाद यादव अंदर गए हैं, उनके साथ राबड़ी देवी हैं, रोहिणी आचार्य, और इसके बाद अब देखना होगा कि कब तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव को आज इंडिया गठबंधन की जो बैठक दिल्ली में होने वाली है उस बैठक के लिए भी तेजस्वी यादव को दिल्ली जाना है। इंडिया गठबंधन की बैठक आज दोपहर बाद दिल्ली में, जिस बैठक में तेजस्वी यादव भी जाने वाले हैं। और फिलहाल तेजस्वी यादव यहाँ पर वोट डालने, चूँकि पिछली बार जब वो वोट डालने पहुँचे थे तो उन वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी की वजह से वो वोट नहीं दे पाए थे, लेकिन इस बार अभी तक दोनों भाई और बड़ी बहन जो मीसा भारती हैं, जो पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, वो वोट डालने फिलहाल नहीं पहुंची हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव अभी वोट डाल रहे हैं, अभी निकले नहीं हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहां पर गहमा गहमी लालू प्रसाद यादव अंदर वोट डालने के लिए गए हुए हैं। तो ये रुपेश तस्वीरें दिखा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी और बेटी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस वक्त बूथ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से भीड़ नजर आ रही है। वोट डालने के बाद लालू प्रसाद यादव कुछ कहते हैं नहीं, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जैसा कि रुपेश बता रहे हैं कि वो अभी इस वक्त अंदर मौजूद है, तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रुपेश ये बताइए कि इस चुनाव के दौरान हमने देखा तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार किया, उसका कितना असर ग्राउंड पर होता हुआ नजर आ रहा है? कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया तो ये समझ में आया कि ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा रैलियां और जो तमाम जनसभाएं हैं वो तेजस्वी यादव ने बिहार में की। देखिए तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, 251 उन्होंने रैलियां बिहार में की और इस दौरान उनके कमर में दर्द हुआ, उनके घुटने में दर्द हुआ, उनकी तबीयत नासाज भी हुई, लेकिन उन्होंने उसके लिए तर्क गढ़ा। उन्होंने कहा कि ये दर्द मेरा कुछ नहीं है, जो बेरोजगारों ने बिहार में दर्द झेला है लिहाजा उनका दर्द उसके सामने कुछ नहीं है, ये उनका हर मंच से कहना था। और उन्होंने शुरू से ही जिस तरीके से, पहले तो ये लगा कि तेजस्वी यादव जो कुछ कर रहे हैं उनके मंच पर भारतीय जनता पार्टी बैटिंग कर रही है, उनके पीच पर, क्योंकि तेजस्वी यादव ने मछली खाई। उसके बाद बयान नरेंद्र मोदी ने दिया, प्रधानमंत्री जब बिहार आए तो उन्होंने, तेजस्वी यादव ने जो मछली खाई, और इसके पहले लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती के घर पर राहुल गांधी जो मटन खाने गए थे, जो मटन बनाते हुए जो सिखाया था उसका वीडियो जो सामने आया था उसके ऊपर, और मछली खाने को लेकर प्रतिक्रिया दी। उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा, लालू यादव ने जिस तरीके से कहा संविधान खतरे में है, संविधान पर बहस हुई, और लालू, हालांकि लालू प्रसाद यादव बेहद फोकस रहे अपनी दोनों बेटियों को लेकर, और मैं पहले भी कह रहा था कि ये स्ट्रेटजिकल था, तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते थे कहीं भी किसी झंडे पे, किसी बैनर पे, या कहीं भी जो रैली स्थल पर जो बैनर लगे हुए थे उसमें लालू प्रसाद यादव की तस्वीर को जरा छिपा कर ही रखा गया, क्योंकि पिछले चुनावों में 2019 और 2020 के विधानसभा चुनाव तक में लालू प्रसाद यादव के चेहरे को सामने रखकर जंगल राज का चेहरा प्रदर्शित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष ने किया, उससे बचने के लिए इस बार तेजस्वी यादव ने स्ट्रेटजिकल लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज बता करके उनको सीमित रखा सारण संसदीय क्षेत्र तक और पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र तक, जहां से उनकी दोनों बेटियां चुनाव लड़ रही हैं, वहीं पर लालू प्रसाद यादव ने रोड शो भी किया। लालू प्रसाद यादव सारण संसदीय क्षेत्र में कैंप भी किए रहे, क्योंकि वहां के सांसद भी हैं, वो उनका पुराना गढ़ है, लिहाजा उन्होंने कोई बड़ी रैली तो नहीं की। एक रैली उन्होंने जरूर की जिस दिन रोहिणी आचार्य अपना नॉमिनेशन दर्ज कर रही थी, नॉमिनेशन के दिन ही रोहिणी आचार्य के लिए उन्होंने मंच पर एक रैली जरूर किया था, लेकिन इसके अलावा सारण में भी उन्होंने कोई बड़ी रैली नहीं की। हाँ, अपने कार्यकर्ताओं को जो ग्राउंड लेवल पर जो वोटर्स हैं उनको बुलाकर एक कन्वासिंग करने की कोशिश जरूर की। देखिए लालू प्रसाद यादव वोट देकर के निकल गए हैं और यहाँ पर देखिए ये लालू प्रसाद यादव, लालू जी उंगली दिखला रहे हैं, देखते हैं लालू जी कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। लालू प्रसाद यादव, बहुत भीड़, मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर, लालू प्रसाद यादव अपनी उंगली जरूर यहाँ पर दिखला रहे हैं और देखिए लालू जी आज बैठक में जा रहे हैं क्या? आज इंडिया की बैठक में जा रहे हैं क्या लालू जी? जा रहे हैं।
अब देखिए रोहिणी आचार्य और राबड़ी देवी, देखिए राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य भी इसके बाद, हालांकि लालू प्रसाद यादव बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गए हैं बिना कुछ बोले। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।